कौन सबसे पहले बहुत ब्यूटीफुल आज आप लग रहे हैं साड़ी में, और बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दे रही हैं। यस, कुछ नया प्रोजेक्ट तो नहीं करके आपने? शायद प्रोजेक्ट नया किया इसलिए इतनी ब्यूटीफुल लग रही होंगी, बट हाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ। नॉमिनी है आइकॉनिक मदर डॉटर डुओ का, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। सो यस, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ आ जाओ मम्मा, आपको और मम्मी जी का बहुत अटूट रिश्ता है, आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आजकल देखते हैं कि लोग अपने माता-पिता को रिस्पेक्ट कम देते हैं, लोग सफल होने के बाद, लेकिन मैम हमेशा आप मैम के साथ रहती हैं, क्या कहना चाहोगे आप? मैं मम्मी बचपन से लेके अभी तक मेरा इतना साथ दिया है, मेरी मेंटोर रह चुकी है, मेरी दोस्त है, मेरी सब कुछ है, तो मेरा बहुत साथ दिया, मैं आज तक जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। एंड ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे भी सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा को अपने, सब देख देख के अपने दोस्तों को, हम लोग को, आई थिंक सब आजकल हर कोई अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहा है। पहले बीच में हो गया था कि हाँ माँ बाप को नहीं सपोर्ट कर रहे, बट आजकल एवरीबडी सपोर्टिंग देयर पेरेंट्स। यस, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, जैसे रिलीज डेट आएगा आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, मैं एक OTT फिल्म कर रही हूँ और एक बड़े पर्दे की फिल्म कर रही हूँ, तो एक महीना देहरादून में थी। तो आप बताइए, आपको भी अवार्ड मिलने वाला है, क्या कुछ कहना चाहोगे आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब दादा साहब फाल्के नाम आगे से जुड़ा है, तो मेरा खुशी के मारे ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा है, क्योंकि सुनते ही थे ना हम लोग तो उत्तरकाशी जैसी जगह पे थे, तो दादा साहब फाल्के पढ़ना देखना, फिर उसके बाद आज अवार्ड मिल रहा है बेटी के कारण, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। आज आपको भी अवार्ड मिलने वाला है, श्री दादा ने मुझे बताया, आप क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड को लेके? अवार्ड को तो खुश हूँ मैं, ऐसी खुश हूँ कि शिव को तो अवार्ड मिल रहा है, पर सब मेरे बच्चे के बारे में खुश हूँ मैं कि सब मेरे बच्चे अच्छे हैं, अच्छे प्रगति करेंगे, आगे जाएं। आपने मुझे याद है जब वो बिग बॉस के घर के अंदर थे, तभी आपने कहा था कि शिव भाई सपना देखते थे सारी चीज़ों का, अब सब जो सपना पूरा होता है, आपको कितनी खुशी मिलती है इसको लेके? बहुत खुशी मिलती है। बहुत आप कुछ बताना चाहोगे आज उनके साथ? मुझे मतलब ये अवार्ड अच्छा लगा कि एक बिग बॉस मराठी के बाद में एक इवेंट में गया था जहाँ पे मुझे बुलाया था, मतलब आपके आई को भी बुलाना है, और यहाँ पे आई और आपको अवार्ड देना चाहते हैं, हम ऐसे सुना मैंने, यार ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ये मेरे आई के लिए खुशी की बात है कि उसको थोड़ा अपन मोटा दलवाई था तो बड़ी बात है ये, और खुशी की बात है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं और हैप्पी है हम लोग। क्या कहना चाहूँगा फैंस और ऑडियंस को, इतना सारा प्यार देके आज यहाँ तक पहुँचा है? मैं थैंक यू हमेशा बोलता हूँ, हमेशा शुक्रिया करता हूँ सभी का, क्योंकि ये मेरे आई का तो ब्लेसिंग है ही, इसकी वजह से मुझे जितनी आईओ का ब्लेसिंग मिलता है इसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो ये अवार्ड मेरे और आई का नहीं है, जितनी आईया मुझे ब्लेसिंग देती है उन सब का है, तो थैंक यू सर। मनीषा रानी एंटरटेनमेंट का पैकेज है पूरा, और जितना उसने बिग बॉस में किया उसके पहले भी मैं जानता था उसे, तो काम यार काम के लिए मैं ऑलवेज रेडी हूँ, और उसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आएगा। पहली बार देख रहे हो मम्मी, क्या कितनी खुशी है आज के? बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मम्मी को मतलब
मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम अवार्ड मिल रहा है तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश है ना मम्मी। मैं तो बहुत खुश हूँ, बस ये सारे इसकी वजह से मेरे को भी मिला। अर्चना किस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई? मुझे बेस्ट एंटरटेनर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, बेस्ट डॉटर एंड बेस्ट मूवी। आंटी आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में जिस तरह रॉकिंग परफॉर्मेंस दोनों में दे रहे हैं, आपको सबसे अच्छी जर्नी किस पे लगी? मेरे को बिग बॉस में भी अच्छी लगी खतरों। अर्चना आज डेजी का बर्थडे भी है, विशेष देना चाहोगे उनके? हैप्पी बर्थडे डेजी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मैसेज किया, फोन किया आपने? नहीं मुझे पता नहीं था सच, नहीं नहीं पता, अभी मुझे आपसे पता चला जी। अर्चना जी, अरे यहाँ का बाकी है, मेरा स्टैंडिंग बाकी था। बाय मैम, बाय। अरे मम्मी के साथ ही इंटरव्यू देख लिया। मम्मी आओ, अच्छा है, अरे मैं पीछे आ गया। We are very good. Tell us something about the first award together, I guess, correct? That's the first one. What would you like to say? So we got the most charismatic couple of the year award, and we are extremely happy and honored and grateful. Because abhi shaadi hoke bas 6 hafta hi hua hai and we got the first award together, so yeah, many more to very go. Humbled and honored. Michael, what would you like to say about the award and tell us something about the pictures are looking so you guys thank are you so much the kind of love do you receive from the social media, tell us something about that and also this award. So like she already said, we are very I would say humbled and honored to receive this award so shortly after the wedding, and like you said, like we got lots of love for the pictures and lots of feedbacks for the pictures. There are lots and lots more, and we keep looking at them every day. So